हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, आज हम लोग माध्यम, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में जानेंगे। आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में जानेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब से आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तब से लेकर आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सबको बारी बारी से आपको बताऊंगा और सॉल्व करवाऊंगा। देखिए 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं माध्य के ऊपर, माध्यिका के ऊपर, बहुलक के ऊपर, परिसर के ऊपर, मैं सबको यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे माध्य, इंग्लिश में इसको हम लोग मीन बोलते हैं, माध्यिका या माध्यक, कहीं पे अगर माध्यिका लिखा रहे या माध्यक लिखा रहे दोनों सेम बात होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग मीडियम के नाम से जानते हैं। बहुलक, बहुलक को मॉड बोला जाता है और परिसर, परिसर को रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख दिया हूँ ताकि आप इसको लिख ले या याद कर ले। तो देखिए यहाँ पे यह थ्योरी बहुत ही जरूरी है कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, इसी के बारे में यहाँ पे आपको समझाया हूँ और आप लोग सिर्फ इसी को याद कर लीजिएगा, आपके दिमाग में सिर्फ इतना बैठ जाएगा तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, यह मेरी आपसे गारंटी है। तो देखिए यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग, अपट्टे में प्रेक्षणों की संख्या होता है। माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग, अपट्टे में प्रेक्षणों की संख्या, अगर इंग्लिश में बात कर ले तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, अपट्टा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक उसी प्रकार माध्य क्या है, तो किसी आंकड़े को घटते या बढ़ते क्रम में, घटते या बढ़ते कहने का क्या मतलब है, नाम सुने होंगे एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसी को घटते और बढ़ते क्रम बोलते हैं। लिखने के बाद बीच का जो प्रेक्षण होता है वह माध्य कहलाता है। देखिए ये तो आपको थ्योरी लिखा हुआ है, ये थ्योरी से काम नहीं चलेगा, मैं इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा यह माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है। ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इसके जस्ट बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आए उसे बहुलक कहा जाता है। परिसर, बड़ा माइनस छोटा। देखिए तो यहाँ पे माध्य क्या है, माध्य क्या है और बहुलक क्या है, परिसर क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अपने माइंड में रखिएगा। देखिए जैसे ही मैं सभी प्रॉब्लम्स को कराऊंगा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग अब जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं इसके ऊपर हम लोग उसको बारी बारी से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिए आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को कृपया मिस ना करें, आप लोग इस लेक्चर को मिस ना करें, क्योंकि यहाँ से हरदम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बनना आपसे तय है। अगर इस क्लास को कर लीजिएगा तो आपको यह क्वेश्चन सब बनना तय है। तो देखिए मैं बहुत ही अच्छा से बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कृपया आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए ये तो आपको थ्योरी था, यहाँ से मैं थ्योरी को हटा देता हूँ बाबू, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर सभी का थ्योरी आपको बताया, सभी का थ्योरी यहाँ पे डिस्कस किया कि माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्यिका क्या होता है तो कोई भी प्रेक्षण दिया रहेगा उसको घटते और बढ़ते क्रम में लिख देंगे और बीच का जो संख्या होगा वही आपको क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। बहुलक बताया मैं आपको कि बहुलक क्या होता है, बहुलक आपको क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार है उसको बहुलक बोलते हैं। परिसर है, रेंज निकालना है, बड़ा माइनस छोटा होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे आपको दिया गया है 1, आंकड़ा कोई दिया गया है 1, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11 दिया गया है यहाँ पे,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका माध्य निकालने के लिए बोला जा रहा है कि इसका माध्य निकालिए। तो आइए हम लोग एक नंबर में माध्य निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माध्य निकालने के लिए मैं बताया था माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, जितना भी प्रेक्षण दिया गया है सबको आपस में ऐड कर देना है। आइए ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 1+3+5+6+7+8+10+10+11 सभी प्रेक्षणों का योग, अब बट्टा में होता है प्रेक्षणों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है प्रेक्षण यहाँ पे, तो 9 को बट्टा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षण जो भी है उसको आपस में ऐड कर दीजिए, और प्रेक्षणों की संख्या कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड कर दीजिए, अब सबको ऐड कीजिए, तो यहाँ से मिला आपको 1, 1, 1, 8, 1, 9 तो देखिए यहाँ पे 1, 1, 1, 8, 1, 9 हो गया, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 31 का 1 हो गया और 3 मिला आपको, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 1, 6, 6 हो गया, 61 अब 8 में 9 हो गया, 61 में 9 से भाग दे दीजिए यहाँ पे, 61 में 9 से जैसे ही भाग दीजिएगा 9, 6, 54 हो गया, 11 में 4 जाएगा 7 हो गया, यहाँ पर 10 लेकर 0 चढ़ाएंगे 9, 963 हो गया यहाँ पे, तो कितना मिला 6.7 मिला। देखिए यही आपका क्या हो गया, तो माध्य हो गया। इसी फार्मूला द्वारा, इसी ट्रिक द्वारा आप किसी चीज़ का माध्य निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का माध्य निकाल सकते हैं। तो देखिए दो नंबर में माध्यिका निकालते हैं। देखिए यहाँ पे माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग या तो घटते क्रम में लिख देंगे, या बढ़ते क्रम में उसको लिख देंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10 और 11। देखिए ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो आपको बहुलक आपको माध्यिका निकालना है, इसी को माध्यक बोला जाता है, माध्यिका लिखे या माध्यक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बीच वाला होता है उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को है, तो इधर से 4 को बढ़ जाइए और इधर से भी 4 को बढ़ जाइए, तो बीच में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, ये आपका माध्यिका हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4 और इधर से 1, 2, 3, 4 पाँचवा पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवा पे बीच में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको माध्यिका हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से एक एराइज होता है कि अगर बीच में दो संख्या आ जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसका आपको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए मैं क्या बताया कि जो बीच में होगा वही माध्यिका होगा, तो इधर से हम लोग 2 को बढ़ेंगे और इधर से 2 को बढ़ेंगे, इधर से 2 को बढ़े, इधर से 2 को बढ़े, तो 2 को बीच में संख्या आ गया, 2 को बीच में संख्या आ गया, तो इसका माध्यिका, इसका माध्यक क्या होगा, तो इसका माध्यक देखिए कैसे निकालते हैं, ये दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं या 2 से भाग कर देते हैं, दोनों को अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को आपस में ऐड कर देना है और 2 से भाग कर देना है, समझे मैं क्या बता रहा हूँ, 2 संख्या अगर मिल जाए तो दोनों को आपस में ऐड कर देना है और उसको 2 से भाग कर देना है। फिर से समझिए, अगर बीच में 2 संख्या आ जाए, यहाँ पे तो 1 संख्या था बीच में, तो ये 7 हमारा माध्यक हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो दोनों को आपस में ऐड करना है और 2 से उसमें भाग कर देना है, तो 7/2 यहाँ पे आपको हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इसी का हम लोग माध्य निकाले, माध्यिका निकाले, अब हम लोग बहुलक निकालेंगे, इसका 3 नंबर में बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, बहुलक निकालने के लिए बताया था जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को बहुलक बोलते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दो बार आ रहा है, देखिए 10 ही ना है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका 10 आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। अब 4 नंबर में परिसर निकालना है, परिसर रेंज होता है, रेंज होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें 11 है और सबसे छोटा कौन है, तो 1 है, तो 11 में से जाएगा 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिया, सबसे पहले मैं आज क्या किया, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाया
कि माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, परिसर क्या है, इसका फॉर्मूला बताया, फिर एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल द्वारा आपको माध्य निकाल कर दिखाया, माध्यिका निकाल कर दिखाया, बहुलक निकाल कर दिखाया, परिसर निकाल कर दिखाया। फिर समझ लीजिए माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग जो भी दिया रहेगा यहाँ पे आंकड़ा, सबको आपस में ऐड कर देना है, और बट्टे में कितना यहाँ पे टर्म है, कितना आंकड़ा है, उसे डिवाइड कर देना है। तो सबको आपस में ऐड कर दिए हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ, तो 9 से डिवाइड कर दिए हैं, ऐड किए हैं इसको, तो कितना मिला 61, बट्टे में 9 भाग दिए हैं, 6.7 इसका माध्य हो गया। माध्यिका निकालने के लिए बोला कि जो बीच में होगा वही आपको माध्यिका हो जाता है। तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11 9 गो संख्या है, इधर से 4 गो बढ़े हैं, उधर से 4 गो बढ़े हैं, बीच में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये आपको क्या होगा, माध्यिका आ जाएगा। और बताया यहाँ पे कि अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, माध्यिका निकल जाएगा। फिर बहुलक निकालना है, बहुलक मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आ रहा है, देखिए तो एक अंधा भी बता देगा देखकर कि 10 10 दो बार आ रहा है, तो ये आपको बहुलक का आंसर 10 हो गया। परिसर निकालना है, परिसर होता है बड़ा माइनस छोटा, देखना है सबसे बड़ा इसमें कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें 11 दिख रहा है और सबसे छोटा 1, 11 में से एक जाएगा तो 10 आंसर। तो देखिए ये तो आपको एग्जांपल द्वारा समझाया, आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, माध्यम, माध्यिका, बहुलक, परिसर के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, मैं सबका सोल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको जिस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब किसी पे, सब चैप्टर पे ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर के ऊपर वीडियो, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाइज ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको बताऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए अब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे 2011 से 2020 का ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबका हम लोग सोल्यूशन देखने जाए। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2020 तक, मैं सभी का नोट्स यहाँ पर तैयार कर लिया हूँ, सभी को एक जगह एकत्र कर लिया हूँ, एकत्रित कर लिया हूँ, ताकि आपको बताने में आसानी हो और आपको मेहनत ना करे। देखिए मैं कितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है आपको, संचयी संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में लिखा गया है त्वरण, और दो नंबर ऑप्शन में है आपको आयत चित्र, और तीन नंबर ऑप्शन में है डंडा लेख, और चार नंबर में नॉन। और यह क्वेश्चन आपके 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2012 के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 3 दिया है, और बी में दिया गया आपको 2 दिया गया है, और आपको सी में 2.5 है, और डी में आपको 4 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या मतलब
होल नंबर बोल रहा है यहाँ पे, तो पूर्ण संख्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोल रहा है आपको, प्रथम 5 पूर्ण संख्या ले जाना है यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग 5 पूर्ण संख्या ले लिए और इसका क्या माध्य निकालना है। तो मैं माध्य बराबर बताया था आपको, माध्य बराबर बताया था सभी प्रेक्षणों का योग, जो भी दिया गया इसको आपस में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0+1+2+3+4 बट्टा में सभी प्रेक्षणों का योग, बट्टा में सभी प्रेक्षण, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 पांच है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऐड कीजिए इसको, 4 × 3 = 7, 7 × 9 = 10 और 10 बट्टे में 5 हो गया। इसको जैसे ही कटाएंगे तो हमको आंसर में 2 मिल जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन 2 बी में है, आपको बी में 2 है, 2 आपका आंसर हो गया। तो देखिए मैं क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 प्रथम 5 पूर्ण संख्या हम लोग ले लिए और माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला में क्या बताया था, माध्य का सूत्र में आपको बताया था सभी प्रेक्षणों का जो बट्टा में प्रेक्षण की संख्या, तो सभी प्रेक्षणों का आपस में ऐड कर दिए हैं। अब प्रेक्षण कितना जो है, तो 1, 2, 3, 4, 5 गए, 5 से इसको भाग कर दिए, तो कटाई यहाँ पे ऐड किए तो कितना मिला, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 10, 10 बट्टे में 5 कर दिए, 2 आंसर हो गया आपको। देखिए कितना ईजी है। फिर यहाँ पे देखिए 2012 में ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला जा रहा है सही शब्द या अंक से रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। और देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक बराबर 3 और यहाँ पे डैश 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 है और फिर माइनस 2 माध्य यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 माध्य लिखा हुआ है बराबर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन आपको 2012 के ही एग्जाम में देखते हैं यहाँ पे, हाँ 2012 की एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2012 की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2012 में ये भी पूछा गया था, 2012 में ये भी पूछा गया है कि सही शब्द या अंक से रिक्त स्थानों को भरना है। तो बहुलक बराबर लिखा हुआ है, बहुलक बराबर 3 यहाँ पर डैश और डैश भरना है, यहाँ क्या होगा -2 माध्य। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि माध्य माध्य बहुलक, नाम से ही मालूम चल जाना चाहिए आपको, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका भर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे माध्यिका। देखिए कुछ लॉजिक भी लगाइए, कुछ अपना भी लॉजिक लगाइए आप लोग। यहाँ पे हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुलक दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो छूट क्या गया, तो माध्यिका छूट गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य होता है। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए आंकड़े 1, 0, 5 का माध्य निकालें, और यह आपको 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर मैं 5 में यहाँ पे लिखता हूँ 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक होगा, बहुलक बोल रहा है, बहुलक होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 2013 में जो पूछा गया था इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन 2014 के एग्जाम में यह पूछा गया है, इसमें आपको ऑप्शन गिवेन है। एक नंबर में 3 दिया हुआ है और यहाँ पे ए नंबर में 3 दिया हुआ है और बी नंबर में आपको 4.16 दिया गया है और सी नंबर में 4 दिया गया है और डी नंबर में आपको 3.5 दिया गया है। देखिए 2014 के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसको मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 5
धनात्मक संपूर्णांकों का माध्य निकालना, इसमें माध्य डेढ़ लिखा है क्या होगा, ये भी आपको 2014 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए 2014 के जो एग्जाम होता था, देखिए आपको ये चार ऑप्शन मिल रहा है, ये 2014 से स्टार्ट हुआ है, 2015 से 2016 से। पहले क्या होता था, फिलिंग द ब्लैंक्स होता था, प्रथम पांच धनात्मक संपूर्णांकों का माध्य, पहले फिलिंग सब ब्लैंक्स होता था, उसको बनाइए उसके बाद भरिए। आप लोगों तो बहुत इजी हो गया आप लोगों समय। तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 2013 में पूछा गया है दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सभी आंकड़ों का योग, तो आंकड़ा कम करना है 105 है, ऐड कीजिए 105, सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा कितना है, तीन है, यहाँ पर तीन टर्म है, एक दो तीन तीन, यहाँ पर पाँच एक छः हो जाएगा, छः बट्टे में तीन बराबर दो, आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि सभी आंकड़ों का योग, तो आंकड़ा कौन कौन है 105, ऐड कीजिए आपस में तो छः मिलेगा, पाँच को वन से ऐड करेंगे छः हो गया, और बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा कितना है 1 2 3 3 है, तो छः में तीन से भाग करेंगे तो दो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2014 में पूछा गया है 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक होगा, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, मैं बहुलक का फॉर्मूला को बताया था, जो सबसे ज्यादा बड़ा है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ 3 भी दो बार आ रहा है और 4 भी दो बार आ रहा है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्या होगा, आपको तो कन्फ्यूजन हो गया, सबसे ज्यादा बार कोई भी नहीं आ रहा है, 3 भी दो बार आ रहा है और 4 भी दो बार आ रहा है। तो देखिए 3 भी दो बार आ रहा है और 4 भी दो बार आ रहा है, तो इसमें कौन बहुलक होगा, तो याद रखिएगा जो इसमें बड़ा होगा वही बहुलक होगा। तो 3, 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए, तो ज्यादा बार इसमें 3 भी दो बार आ रहा है और 4 भी दो बार आ रहा है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा, इसलिए आपको 4 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए प्रथम पांच धनात्मक संपूर्णांकों का माध्य क्या होगा, ये आपको 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम पांच धनात्मक संपूर्णांकों का माध्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रथम पांच धनात्मक, धनात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, और सम मतलब संपूर्णांक बोलता है, मतलब इवन इंटीजर बोलता है, इवन इंटीजर बोलता है, यहाँ पे इवन इंटीजर का माध्य बोलता है। तो लिखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रथम पांच धनात्मक संपूर्णांक, पांच को धनात्मक पूर्णांक लिखिए, बोलिए यहाँ पे क्या क्या होगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, प्रथम पांच धनात्मक संपूर्णांक यही ना होगा आपको, और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य इज इक्वल टू, मैं बताया था आपको क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सबको आपस में ऐड कीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टे में क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या कौन हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 को है, अब इसको ऐड कीजिए, डिवाइड करिए इसको, तो 10 यहाँ मिल गया, 10 और 16, 16 + 20, 20 + 2 = 22, 22 + 8 = 30, अब अट्टा में 5 कट जाएगा तो 6 आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा आपको। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट आउट कर लीजिए, प्रथम पांच धनात्मक संपूर्णांक बोल रहा है, इंटीजर्स लेना है, कौन सा लेना है, वो भी इवन इंटीजर्स लेना है, तो 2 होगा 4 होगा 6 8 10 होगा, माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, कितना को है, तो 5 को है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, रफ कर देता मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला जा रहा है प्रथम पांच अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा, ये आपको 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पे 8 नंबर में बोला जा रहा है 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा, का बहुलक होगा। ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में 2 है और बी नंबर में 2.16 है
और सी में आपको 3 है और डी में आपको 2.5 दिया गया है। ठीक इसी प्रकार ये भी 2014 में पूछा गया था आपको। और 9 नंबर देखिए, ये आपको 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। 2015 के एग्जाम में पूछा गया है यदि 3, 4, 5, 17, x का मान 6 है तो x बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, ये 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, ये 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 7 नंबर को हम लोग बनाने जा रहे हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोल रहा है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जिसका केवल एक से फैक्टर हो और अपने आप से हो। तो प्रथम 5 लिखिए सबसे पहले यहाँ पे, ये 7 नंबर का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा बाबू, तो एक हो जाएगा आपको 1, 3, 5, 7, 11 और इसका माध्य निकालना है। तो मैं माध्य इज इक्वल टू क्या बताया था, माध्य बराबर बताया था आपको सभी प्रेक्षणों का जो सबको आपस में ऐड कीजिए क्या हो जाएगा, 1 + 3, 5 + 7 + 11 बट्टा में क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग, बट्टा प्रेक्षणों की संख्या कौन है 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कीजिए क्या मिल जा रहा है 11 और 7 = 18 हो गया। 18 × 5 = 19 × 20 × 23 23 × 3 = 24 25 26 127 27/5 हो रहा है। इसको डिवाइड मारिए कितना मिल जाएगा 50 25 हो गया और 2 मिले यहाँ से, तो 5 यहाँ पे भाग कर लीजिए 27 में 5 से, तो 50 25 हो गया यहाँ पे 2 मिला। दशमलव देखो 0 + 5 = 20 5.4 इसका आंसर नहीं हो गया यहाँ पे, देखिए इसका माध्य कितना निकल गया 5.4। ठीक इसी प्रकार 8 नंबर को देखिए यहाँ पे 2303326 का बहुलक हो गया, देख के मारने वाला है बाबू। बहुलक बराबर क्या बताए थे, बहुलक वह होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आ रहा है 3 आ रहा है, देखिए 3 2 बार आ रहा है सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 इसमें 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर, ये तो बिना कलम चलाए बनाने वाला है, ये सब क्वेश्चन आपको बिना कलम चलाए बनाने वाला है। आइए 9 नंबर देखिए, यदि 3, 4, 5, 17 एक्स का माध्य 6 है तो एक्स बराबर क्या होगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे माध्य के बिल यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो रखिए यहाँ पे 6 का 6 सभी प्रेक्षणों, माध्य बराबर क्या होता है सभी प्रेक्षणों का जो बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य के बिल दिया हुआ है किसका माध्य 6 है, तो माध्य की जगह पर 6 रख दीजिए। अब सभी प्रेक्षणों का योग कीजिए तो क्या है यहाँ पे 3 है + 4 है + 5 + 17 + 1 बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या कौन वो है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ही को है, 5 रखिए यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए आंसर निकलेगा यहाँ से 6 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 30 मिलेगा यहाँ पे 30 हो गया, प्लस ऐड कीजिए इसको 17 + 3 = 20 + 20 = 29 जोड़ 1 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा 30 इधर है 30 और ये माइनस में आएगा 30 - 29 तो x = 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला जा रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 1 नंबर में कम से कम 2 में दिया गया है, 3
तीन में दिया गया है, अधिकतम परमवर्ता मान, और चार में दिया गया है नॉन। देखिए फिर 11 नंबर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है वितरण, वितरण में अधिकतम परमवर्ता, वितरण में अधिकतम अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। और देखिए यहाँ पे 12 नंबर में लेते हैं, वर्ग चिन्ह इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपको 2015 में पूछा हुआ है, ये आपको 2015 में ही पूछा गया है, ये आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी परंपरता का बहुलक होता है, क्या होता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट करता है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, इसको आप लोग याद कर दीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हरदम आपके एग्जाम में आते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन बैंक उलट कर देखेंगे, मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2020 तक, मैं सभी का इसमें लाइन बाय लाइन इसको क्या किया हूँ, नोट किया हूँ, तो मुझे मालूम चल रहा है ये सब क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो किसी परंपरता का बहुलक होता है, क्या होता है बाबू, तो अधिकतम परंपरता मान होता है, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होता है, अधिकतम परंपरता मान होता है। वितरण में अधिक परंपरता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो देखिए उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में आपको यहाँ पे हो जाएगा बहुलक वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में, वितरण में अधिकतम परंपरता वाला वर्ग कौन सा वर्ग कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। अब 12 नंबर जो क्वेश्चन है 2016 के एग्जाम में पूछा गया, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा और बट्टे में दो होता है, और बट्टे में दो होता है, यह फार्मूला ही होता है आपको, यह फार्मूला ही होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो ऊपरी वर्ग सीमा आप प्लस निम्न वर्ग सीमा अपटे में दो होता है, क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपटे में दो होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर दम आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, किसी परंपरता का बहुलक होता है, तो क्या होता है, अधिकतम परंपरता मान होता है। वितरण में अधिकतम परंपरता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। वर्ग चिन्ह इक्वल टू क्या होता है, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपटे में दो होता है बाबू। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, इसमें बोला जा रहा है कि 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा, का बहुलक होगा, और आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन 2, और बी नंबर में 3 दिया हुआ है, और सी नंबर में आपको 7 दिया हुआ है, और डी नंबर में आपको बाबू 9 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा, का बहुलक होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, एक नंबर 2, बी नंबर में, यहाँ पे ए नंबर में, यहाँ पे बी नंबर में 3, और सी नंबर में 5, और डी नंबर में 8 दिया हुआ है। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार 15 नंबर में बोला जा रहा है, यदि 1, 4, 8, 5, 12 का माध्य 7 है,
एक्स बराबर वाट क्या होगा? देखिए ये आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आपको फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होता है और सेकंड सिटिंग में एग्जाम होता है। जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया मैं सभी को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बारी बारी से। 2016 के एग्जाम पूछा गया, 2016 के एग्जाम, 2016 के एग्जाम में इतने बहुलक पूछा जा रहा है। बहुलक फॉर्मूला में क्या बताया था, जो सबसे ज़्यादा बार आए, जो किसी परीक्षण में सबसे ज़्यादा बार आए, तो कौन ज़्यादा बार आ रहा है? देखिए तो यहाँ पे 7, 2 बार, 3 बार आ रहा है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि 7 देखिए यहाँ पे 7 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें 7 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक उसी प्रकार का बहुलक होगा, तो इसमें कौन ज़्यादा बार आ रहा है? देखिए तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कलम भी चलाने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ देखिए और मारिए। तो इसलिए मैं बोला कि जितना मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ कि बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है और परिसर क्या होता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो सभी के सभी प्रॉब्लम्स आपसे चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि 1, 4, x, 5, 12, 7 है तो x का वैल्यू, अभी मैं ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षण क्या क्या है? तो 1 + 4 + x + 5 + 12 बट्टा में परीक्षणों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 पांच इसमें डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे यही ना परीक्षण है, यहाँ पे तो सभी परीक्षणों का योग, इस सबका योग कर देना है और बट्टे में परीक्षणों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है। माध्य के वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो माध्य के वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कीजिए, 7 बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 17, 17 × 1 = 18, 18 × 22 तो 22 + 1 / 5 कौन कौन गुणा कीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 = 22 + 1 या x = 35 - 22 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो 3 होगा यहाँ पे, और 3 × 2 = 13 आंसर हो जाएगा। देखिए इसका 13 आंसर हो जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन सब पूछा गया यहाँ पे। देखिए मैं थोड़ा करता हूँ फिर आगे उसका क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है अधिक बारंबारता वाले वर्ग को डैश डैश क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा रिपीट किया था, सेम क्वेश्चन मैं बताया था अभी आपको 2016 में पूछा गया था, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको बोला कि आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे रिपीट कर दिया है, ये आपको 2017 के एग्जाम में पूछा गया, यह आपको 2017 के एग्जाम में पूछा गया, 2016 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको वहाँ पे बोला कि आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा, सॉरी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, 2015 में रिपीट किया है, फिर 2017 में रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2015 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है। तो अधिक बर्बरता वाले वर्ग को क्या बोलते हैं? तो बहुलक वर्ग बोलते हैं, अभी मैं बताया था आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक वर्ग कहलाता है। अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग, सॉरी अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो चरों को घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाला चर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? व्हाट, ये भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है आपसे। और देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक होगा,
का बहुलक होगा, बहुलक पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए नंबर में एक है और बी नंबर में सिक्स है और सी नंबर में फोर है और डी नंबर में फाइव है। फिर देखिए ये भी दोस्तों का एग्जाम पूछा गया आपको, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 1, 2, 3, 4, 5 की माध्यक होगा, क्या होगा ये भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया आप सब। देखिए यहाँ पे 2017 के एग्जाम में आपसे चार क्वेश्चन पूछा गया है, चारों आपके स्क्रीन पर मैं रख दिया हूँ, स्क्रीन पर नोट कर दिया हूँ। देखिए 2017 में पूछा गया, ये भी पूछा गया, तो मैं इसको तो बताया, अधिक बर्बरता वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, अधिक बर्बरता वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, तो बहुलक वर्ग कहा जाता है। मैं पीछे भी आपको बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 2015 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया है, चरों को घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाला चर क्या कहलाता है, तो माध्यक कहलाता है ना, यह माध्यक कहलाता है या माध्यिका बोलते हैं इसी को माध्यिका। जब मैं माध्यिका का थ्योरी पढ़ाया आपको, जब मैं माध्यिका का थ्योरी पढ़ाया तो वहाँ पे यही ना लिखा था, यही थ्योरी में लिखा था कि चरों को घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाला जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग माध्यक या माध्यिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 16 सॉल्व हो गया, 17 सॉल्व हो गया, 18 में बोल रहा है कि बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 6, 6 दो बार आ रहा है, 4, 4, 4, 4 तीन बार आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, बहुलक होगा। 1, 2, 3, 4, 5 की माध्यक होगा, माध्यक, माध्यक मतलब होता है बीच वाला जो बीच में हो। तो देखिए बीच में कौन है, इधर से दो को बढ़ेंगे, इधर से दो को बढ़ेंगे, तो बीच में यही ना मिलता है, तो यही हमारा क्या होगा, माध्यक हो जाएगा, यही हमारा माध्यक हो जाएगा। देखिए माध्यक मतलब क्या होता है, बीच वाला, तो 5 यहाँ पे अंक है तो बीच में कौन आएगा, तीसरा आएगा, 1, 2, 3 इधर से तीसरा हो गया बीच में, 1, 2, 3 तो यही ना बीच में होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा, माध्यक इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा।